सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम मार्जिन ट्रेडर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स के जो पैटर्न मैं आज बताने वाला हूँ, उस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखो तो काफ़ी तगड़े हमें रिटर्न्स मिलते हुए दिख सकते हैं, और काफ़ी तगड़े हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट की। तो पहले हम बात करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, कौन से लेवल से बढ़ सकता है। आपको इस चार्ट को देखकर इन ट्रेड लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है, इन ट्रेड लाइंस को देखकर तो आपको समझ ही गया होगा कि क्या कुछ स्टॉक में होने वाला है और कहाँ से स्टॉक बढ़ सकता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टाटा मोटर्स को रिजेक्शन किस लेवल पर मिला था। तो टाटा मोटर्स को रिजेक्शन हमें इस लेवल पे मिलता हुआ दिख रहा था। इस लेवल पे जब रिजेक्शन मिला था तब ये नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हो यहाँ से 358 रुपये के लेवल से नीचे आना स्टार्ट हो गया था। और ये जो बड़ी कैंडल बनी है रेड कलर की, एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल क्यों आई, ये कैंडल कैसे बनी थी इसके बारे में आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। तो ये कैंडल जब राकेश झुनझुनवाला जी ने जब स्टॉक्स को गिराया था, जब गिराया नहीं था, जब अपने स्टॉक्स को कुछ परसेंट तक इन्होंने बेच दिया था टाटा मोटर्स में, कब की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 6 जुलाई के आसपास की, 6 जुलाई के आसपास की हम बात कर रहे हैं गाइस, कि तब राकेश झुनझुनवाला ने अपने कुछ स्टॉक्स टाटा मोटर्स में से बेच दिए थे। तब से स्टॉक में लगभग 308 रुपये से स्टॉक सीधा गिरते गिरते इस लेवल तक आ गया था। कौन से लेवल तक आ गया था गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कैंडल से इसमें इतनी बड़ी बन गई थी कि ये स्टॉक सीधा 300 से 200 तक आ गया था। और फिर ये स्टॉक ने गिरावट यहाँ पर रोकी, यहाँ तक आके ये स्टॉक रुक गया था इस लेवल पे। कौन सा लेवल है, 283 के लेवल से। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी होना स्टार्ट किया, यहाँ से रिकवरी होना स्टार्ट किया, साइडवेज मोमेंटम ऊपर की ओर बढ़ते गया, फिर नीचे आता, फिर ऊपर गया था, हाई भी लगाया था इसने लगभग, आप देख सकते हो यहाँ पर 311 के आसपास का हाई भी लगाया था। फिर स्टॉक में सडन गिरावट आ गई और ये स्टॉक और गिर गया और 267 रुपये पर इसने यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा था। फिर यहाँ पे हेवी बाइंग होनी स्टार्ट हो गई, काफ़ी लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया और बाइंग स्टार्ट कर दी और यहाँ से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि गाइस, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, तो ब्रेकआउट एक कहीं ना कहीं देगा ही। तो ब्रेकआउट हमें कहाँ पर मिला, तो गाइस ब्रेकआउट हमें कहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर मैं फिर से वही ट्रेड लाइन बनाता हूँ, फिर से हम वही एनालिसिस करते हैं कि मैंने सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाई और यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रेड लाइन बना दी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कि जब भी मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा मैं इसमें बाइंग की ओर जाऊंगा और आपको बता दूंगा। और मैंने वीडियो भी बनाया था, क्योंकि यहाँ पर आप रिजेक्शन मिला था मुझे, यहाँ पर इस स्टॉक को रिजेक्शन मिला और यहाँ पर इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो जब ब्रेकआउट मिला था तब मैं काफ़ी खुश था और मैंने वीडियो भी बनाया था कि गाइस इस पर ब्रेकआउट मिल गया है, टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक है इसमें आपने बाइंग करना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ वीडियो बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ने सीधा ब्रेकआउट देखे, ब्रेकआउट हमें मिला था 286 के लेवल पर और हाई भी लगाया था, लगभग 304 के आसपास चले गया था। और गाइस यही तो मौका है, यही से तो ये साइडवेज जाके ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते गाइस, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और यहाँ से जो स्टॉक बढ़ेगा यहाँ से, और मेरा जो टारगेट है, मेरा फर्स्ट टारगेट यही है, 360 के आसपास का मेरा टारगेट है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, कुछ जिसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से स्टॉक बढ़ना ही बढ़ना है, कहाँ से, ब्रेकआउट मिल गया था, ब्रेकआउट मिलने के बाद काफ़ी तगड़े रिटर्न्स भी स्टॉक ने दिए और ये आगे भी ऐसी स्पीड में बढ़ता हुआ हमें दिख जाएगा। तो ब्रेकआउट हमें मिल गया इस लेवल पे, 390-300 के लेवल पे मिल गया। फिर साइडवेज चलते चलते स्टॉक कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाएगा, राइजिंग वेज जैसे पैटर्न्स बनेंगे, मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि राइजिंग वेज जैसे पैटर्न बनेंगे। और पिछले अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो जो लेवल है 359 का, शायद उन्होंने सोचा होगा कि जो लेवल है, जो कईयों ने सोचा होगा कि आप देख सकते हो यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, फिर साइडवेज चलते चलते स्टॉक यहाँ पर रिजेक्शन मिलते गया, यहाँ पर लगभग 2 बार रिजेक्शन मिला है। आप अगर ध्यान से देखो, इसे थोड़ा मैं आउट करूँ, तो यहाँ पर आप रिजेक्शन मिला, यहाँ पर रिजेक्शन मिला और नीचे आया,
तो एक यहाँ पर रिजेक्शन मिलता दिख गया, यहाँ पर दो बार मिलता हुआ दिखा, यहाँ पर तीसरी बार मिलता हुआ, और यहाँ पर फिर से चौथी बार यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, और आने वाले टाइम में काफ़ी तगड़े रिटर्न हमें मिलने वाले हैं, तगड़े रिटर्न से मिलने वाले, क्योंकि आप देख सकते हो उसकी इजी सा है चार्ट, हमने इजी सी स्ट्रेटेजी अपनाई है, और पिछला रिकॉर्ड देख के हमने बोला है कि इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म का ही टारगेट बोल रहा हूँ, कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इसे लिया जाए तो 360 रुपये तक तो इजीली जाएगा ही जाएगा। सो गाइस ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न था, और वही अगर आज क्या कुछ स्टॉक में चल रहा है उसकी अगर बात करें, तो क्या कुछ स्टॉक में चल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 298.40 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे, और 3 रुपये 15 पैसे तक का स्टॉक ने रिटर्न दिया है, 3 रुपये 15 पैसे का स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और 1% की तेजी के साथ आप देख सकते हो 294 से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ, हाई लगाया 303 रुपये का, और यहाँ पर साइडवेज चलता हुआ स्टॉक दिख रहा है। वही 5 दिन के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 293 रुपये था, वही 1 साल की अगर बात करें गाइस तो रिटर्न्स की अगर बात करें तो 155 रुपये तक का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, टाटा मोटर्स ने 155 तक का रिटर्न दिया है, पर अगर 5 साल के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक बॉटम तक आ गया था, 70 रुपये 76 रुपये तक आ गया था, फिर से ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि इसके जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको काफ़ी समझ पाएगा। आप देख सकते हो 600 बिलियन 700 बिलियन तक के रेवेन्यूज इसने जनरेट किए, यहाँ पर तो ये 900 के आसपास पहुँच गया था, और 117 बिलियन के आसपास का इनके पास तो पैसा ही बचा हुआ था, और अभी भी तगड़ा पैसा इनके पास होगा। और दिसंबर 2020 की बात, एनुअल्स की बात कर लेते हैं गाइस, एनुअल्स की अगर बात की जाए तो 2017 में लगभग 2.17 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, काफ़ी बड़ी बात थी और काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, और 2.17 ट्रिलियन, फिर 2018 में 2.92 ट्रिलियन, 2019 में 3 ट्रिलियन, और 2020 में 2.62 ट्रिलियन का, और अभी भी उसी की ओर अग्रसर हो रहा है, और 3 ट्रिलियन का ये तो कर ही लेगा अचीव इस साल की बात करें तो। अगर बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप एक इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी स्टॉक के लिए, तो हम मार्केट कैप की बात करने वाले हैं। तो मार्केट कैप अगर इसकी स्टॉक का देखा जाए तो आप देख सकते हो 1.06 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो इसे मल्टीबैगर स्टॉक बनाता है, एक मार्केट लीडर बनाता है गाइस इस स्टॉक इसे को। और वही अगर बात की जाए इसके 52 वीक के हाई की, तो 52 वीक का हाई 360 रुपये है, और 52 वीक का लो इसका 122 रुपये है, और वही ये ओपन हुआ था आज 294 के लेवल पे, हाई लगाया था 303 का, और 293 का इसने लो लगाया है। तो गाइस ऐसा कुछ एनालिसिस था स्टॉक का, और इसमें क्या कुछ हो सकता है आगे तो पता ही चल जाएगा, और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसका पूरा एनालिसिस मैं करके बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और इस वीडियो को और लाइक करते हो तो 100 लाइक का हमारा टारगेट है फल पहला, तो आप लाइक कर दो गाइस, और अगर कुछ होता है हमारा वीडियो ये अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके मैं रिस्पांस के बारे में आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।